नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहां पे आप सभी के साथ सबसे पहले मार्केट्स का अपडेट दे दूं तो कुछ भी खास नहीं हो रहा है मार्केट्स में। फ्लैट कामकाज है, एक अच्छी शुरुआत के बाद एक डिप आई, डिप में अच्छी खरीदारी आई और फिर से बाजार ऊपर की तरफ है। मार्केट के हाल पे छोड़ देते हैं, स्टॉक स्पेसिफिक बात करते हैं क्योंकि वहीं पे एक्शन है। तो बात करूंगा खबरों वाले स्टॉक के बारे में। तो स्टॉक का नाम है कोल इंडिया। आप सभी को अच्छे से पता है कि क्या खबर है क्या खबर नहीं है। कल स्टॉक में गिरावट आई, आज डेज हाई पे ट्रेड कर रहा है, 233 के लेवल्स पे आ गया है। और कल नॉन रिटेल के लिए ओएफएस ओपन हुआ था, आज रिटेल कैटेगरी के लिए ओएफएस ओपन है। सरकार 4000 करोड़ की बिकवाली कर रही है, 4000 करोड़ का ओएफएस है ये, 4000 करोड़ रुपए जुटाने की तैयारी है सरकार की। इस पूरे करंट फाइनेंशियल ईयर में सरकार अराउंड 65,000 करोड़ जुटाएगी बिकवाली करके, डाइवेस्टमेंट करके। अब सवाल ये उठता है कि कोल इंडिया का यार क्या लेने का मौका है, क्या करें क्या ना करें, बेचने का तो मतलब समझ में नहीं आएगा, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये खरीदने का मौका है, और ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। स्टार्ट करते हैं इसी के बारे में। सबसे पहले नॉन रिटेल की बात करें, जहां पे कल ओएफएस खुला था, ओएफएस का भाव बता दूं 225। ओएफएस मींस ऑफर फॉर सेल, जहां पे सरकार ने ऑफर दिया है कि भैया 225 रुपए पे हम आपको देख रहे हैं, 7% डिस्काउंट था, ऑलमोस्ट 240 रुपए पे स्टॉक का भाव था जब सरकार ने अनाउंसमेंट करी। अभी स्टॉक 233 पे आ चुका है, क्या ये लेने का मौका है? देखिए वैसे तो मेरा कोई व्यू बन नहीं रहा है इस स्टॉक पे, और मैंने कल भी वीडियो शूट करी थी कि मेरा मन नहीं है खरीदने का, लेकिन आज जिस हिसाब से रिकवरी है वॉल्यूम्स के साथ डेज हाई पे, ये लग रहा है कि एचएएल वाला सीन कर रहा है। एचएएल में भी सरकार का ओएफएस आया, पहले नॉन रिटेल वाले दिन स्टॉक गिरा और रिटेल कैटेगरी वाले दिन शेयर रॉकेट हो गया था। अब सेम यहां भी हो रहा है, स्टॉक नॉन रिटेल वाले दिन गिरा और नॉन रिटेल में पार्टिसिपेशन जो है वो अच्छा है, 3.35 टाइम्स फुल हुआ है वो सब्सक्रिप्शन, जितने जारी करे गए हैं उससे ज्यादा, काफी ज्यादा बिड आई है आज रिटेल के लिए। 225 रुपए में क्या खरीदेंगे इसे, मुझे लग रहा है पब्लिक ले रही है तभी ये स्टॉक ऊपर आ रहा है। एंड स्टॉक टेक्निकली देखा जाए तो स्टॉक ने अभी जो लो लगाया वो ऑलमोस्ट अपने 3 महीने के जो तेजी स्टार्ट हुई थी वो थी 208 रुपए से, वन साइडेड कंटिन्यू हायर आई जा रहे थे 246 तक, और ये जो गिरावट है वो अचानक 230 रुपए पे आ गई, जो कि स्टॉक के 17th अप्रैल यानी मई छोड़ो अप्रैल के कहीं ना कहीं लेवल्स थे। अभी फिर दोबारा रिकवरी हो रही है, और रिकवरी अगर ये वी शेप आई तो स्टॉक में कहीं ना कहीं 240 रुपीज तक के लेवल्स दोबारा आ सकते हैं। तो मैंने पहले और फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी ये होगी कि मैं इस स्टॉक को अवॉइड कर दूं, क्योंकि मैं सरकारी स्टॉक्स में उतना पार्टिसिपेशन नहीं करता हूं, तो मे भी ये राय गलत हो सकती है, क्योंकि मैं पर्सनली जब खुद ही नहीं करता काम तो मेरा ना मतलब वो व्यू ही नहीं बन पाता उनपे देने का, तो वो व्यू के हिसाब से देखा जाए तो इग्नोर करने की राय होगी। लेकिन अगर मैं स्टॉक स्पेसिफिक हो जाऊं, मैं भूल जाऊं ये सरकारी कंपनी है, तो फिर लगता है कि वी शेप रिकवरी आ सकती है, 240-44 दोबारा आ सकता है अगर किसी के पास है, बहुत अच्छी बात है। नहीं है तो अगर किसी ने लिया है तो 228 जो कल का लो है उस स्टॉप लॉस के साथ आप इस स्टॉक में बने रह सकते हैं। आज का डाटा देखने वाली बात होगी कि रिटेल कैटेगरी ने कितना पार्टिसिपेट करा है 225 के ओएफएस में, और जितना ज्यादा करा होगा उतना ज्यादा अच्छा रहेगा स्टॉक के लिए, और फिर इसके शेयर होल्डर्स के लिए भी दोबारा 240-45 के लेवल्स आ सकते हैं। तो ये तो हो गई कोल इंडिया के बारे में बात। अब आते हैं मार्केट पे। तो भैया आज रियलिटी सेक्टर दोबारा लीडरशिप ले रहा है, और यहां से जो लीडरशिप लेने का कामकाज है वो सोवा ने अभी भी संभाल रखा है। कल की बड़ी तेजी के बाद आज भी स्टॉक सोवा लगभग 2.5% ऊपर है। आईबी रियल एस्टेट में भी 3.5% की तेजी है। गोदरेज प्रॉपर्टीज 2% ऊपर है। डीएलएफ में भी 2% की तेजी है। नीचे तो ब्रिगेड एंटरप्राइजेस आज के सेशन में आपको लाल निशान में कामकाज करते हुए दिख रहा है। पीएसयू बैंकिंग कल भी बढ़िया कर रहे थे एट द एंड जाते जाते, और अभी भी 1% ऊपर है। और कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक, इंडियन बैंक, ये कुछ स्टॉक्स हैं जो आपको अच्छा करते हुए दिख रहे हैं। निफ्टी की बात करें तो कुछ नहीं है, 16 शेयर्स नेगेटिव हैं जिसके सामने 34 शेयर्स पॉजिटिव हैं। इनफैक्ट 16 भी नहीं है, 15 है। अब विप्रो भी हरे निशान में हो गया है, नेगेटिव और हरियाली में झूल रहा है। हीरो मोटोकॉर्प टॉप लीडर है, 2900 का हो गया शेयर देखते ही देखते, 2900 का कमाल हो गया। हिंडाल्को की बात करें तो 2.5% ऊपर है। एमएनएम 1.25% ऊपर है, और कोल इंडिया फोर्थ लार्जेस्ट गेनर कह सकते हैं आप मार्केट में। कैश मार्केट की बात करें तो एचईजी और ग्रेफाइट लीडरशिप ले रहे हैं, 8-8% ऊपर है। साइंड में भी बढ़िया तेजी बनी है, 8.5% के समथिंग की तेजी है। आईएएफएल में 7% की तेजी है। टीवी18 ब्रॉडकास्ट लगभग 5.5% ऊपर है। गिरावट की बात करें तो एमजीएल, अदानी टोटल गैस, गुजरात गैस, ये गैस वाले स्टॉक आज ज्यादा टूट गए, सारे के सारे ऑलमोस्ट 3% तक के
गिरावट दिखा रहे हैं और अदानी ट्रांसमिशन भी आज दोबारा करेक्शन देता हुआ दिख रहा है। अभी तक के मोस्ट टर्नओवर स्टॉक्स की बात करें तो वो आपके लिए रिलायंस है सबसे पहले 1200 करोड़, फिर जोमेटो है 864 करोड़, फिर इंफोसिस 841 करोड़, फिर एचडीएफसी बैंक 760 करोड़ एंड देन कोल इंडिया 635 करोड़। तो ये मार्केट का अभी तक का जो बड़ा माहौल है, बड़ा जो भी टॉप स्टॉक्स है जो फोकस है वो मैंने आपके साथ शेयर करें। होप आपको ये वीडियो समझो पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।